मनीष जी, भी आपने हाल ही में प्रदेश सरकार में कुछ खास मुद्दों को लेकर पत्र व्यवहार किया है, क्या मुद्दे हैं और क्या आपकी मांग रहेगी प्रशासन से? आज कोविड-19 आने के बाद में महाराष्ट्र में रहने वाली जो तमाम जनता है, 3 से 4 महीना घर में रहने के बावजूद आज जो उनकी बेसिक नीड है, बिजली, प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल फीस, ये तमाम मुद्दों को लेकर मैंने सर्वप्रथम हमारे जो महाराष्ट्र ऊर्जा मंत्री हैं आदरणीय प्रजाक प्रसाद राव तनपुरे साहब को मैंने निवेदन दिया। उनके माध्यम से उन्होंने मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज मीटिंग करने के बाद में बिजली कंपनियों ने एक सकारात्मक उत्तर जैसा देना चाहिए था वैसा दिया नहीं। उसके बाद में मैं उसको लेबल को आगे लेके जाते हुए आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के नेता मंत्री आदरणीय जयंत पाटिल जी, हमारे नवाब मलिक जी के साहब के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मैं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को मिलकर उनको निवेदन दिया और मैंने उनसे पूरे जोर से मैंने मांग की कि जो ये कोविड-19 के बाद में जो बिजली के बिल हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो स्कूल फीस है, इन मुद्दों को आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए और इनको कहीं ना कहीं कम करके पूरे महाराष्ट्र के लोगों को उनके जो समस्या आज उनके सामने जो आ रही है वो समस्या दूर करने का आपको करना है। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्द इस विषय में गंभीर निर्णय लिया जाएगा।